हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी लोग। तो आज हम लोगों का है डे 2। तो हम लोग 90 दिन तक लगातार इम्पोर्टेंट चीज़ों को पूरा बायो को कवर करेंगे, जिसमें आज हम लोग कवर करने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी की जितनी डिजीज़ हैं सभी डिजीज़ को हम लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे, जितने भी डिसऑर्डर्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम्स देख रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है यूरिमिया। यूरिमिया में होता क्या है, डेट इज़ किडनी फेल, जिसको हम लोग बोलते हैं कि किडनी फेल हो जाता है। तो क्या होगा, यूरिया इन ब्लड, ब्लड में हमारा यूरिया आ जाएगा। ब्लड पीएच कैसा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, वहां पे कोई भी एंजाइम्स हमारे एक्ट नहीं करते हैं। बॉडी फंक्शनिंग भी हमें देखने को नहीं मिलता है, और इसको हम लोग आर्टिफिशियल किडनी से भी वर्क करवाते हैं, जिसको हम लोग हीमोडायलिसिस बोलते हैं। ठीक है, डेट इज़ ए आर्टिफिशियल मेथड, जिससे हम लोग यूरिनेशन करवाएंगे और उसको क्या करेंगे, नॉर्मली हमारा जो ब्लड में यूरिया आ गया है उसको ट्रीट करते हैं हम लोग। दूसरा हमारे पास आता है, डेट इज़ ए रीनल फेल्योर, रीनल कैलिकुलाई में हमें ये देखने को मिलेगा, जिसमें हमारी किडनी में क्या हो जाता है, स्टोन्स बन जाते हैं। और जो स्टोन्स होते हैं, डेट इज़ ए कैल्शियम ऑक्सीलेट, किसके स्टोन्स होंगे, कैल्शियम ऑक्सीलेट। ठीक है, इन्फ्लामेशन भी हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद आते हैं नेफ्राइटिस और ब्राइट डिजीज़, इसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है हमें, हाइपरटेंशन ड्यू टू रेनिन। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है, डेट इज़ ए रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। ठीक है, किडनी ट्यूबुल्स एसिडिक हो जाएंगे। इसके बाद आता है डायबिटीज इंसिपिडस, ADH लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पॉली यूरिमिया, मोर यूरिनेशन, ठीक है, ज़्यादा यूरिनेशन होगा। ओडिमा क्या होता है, एकुमुलेशन ऑफ एक्सेस फ्लूड, ठीक है, इसको हम लोग ओडिमा बोलते हैं, जिसमें एकुमुलेशन हो जाता है बहुत ज़्यादा फ्लूड्स का। इसके बाद हम लोग देखते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम्स। फर्स्ट आता है, डेट इज़ ए एंजाइना पैक्टोरिस। क्या होता है एंजाइना पैक्टोरिस में, तो हमें चेस्ट पेन होता है बहुत ज़्यादा। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इसको हम लोग CAD भी बोलते हैं, डेट इज़ ए डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। यहाँ पे क्या हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। हार्ट फेल्योर, हार्ट फेल्योर में क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा हार्ट्स एबिलिटी टू पम्प। ठीक है, मतलब वहाँ पे जो भी पम्प हो रहा है वो ब्लड को वहाँ पे पम्प नहीं कर पाएगा। हार्ट अटैक में क्या होता है, सडन डेथ ऑफ मसल्स। ठीक है, अचानक से हमारी जो मसल्स हैं वो डेड कर जाती हैं, जिसके वजह से हार्ट अटैक आता है और इंसान की डेथ हो जाती है। माइकोकार्डिया इन्फेक्शंस, ठीक है, कार्डियक अरेस्ट, इसको ये भी सब नाम दिया जाता है। वहाँ पे कार्डियक अरेस्ट में हमारा क्या है, रिदम से एकदम से रुक जाता है। इशीमिया डेफिशिएंसी ऑफ O2, इसको हम लोग बोल देते हैं इशीमिया। डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, हम लोग देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के डिसऑर्डर। फर्स्ट इज़ अस्थमा, क्यों होता है, कुछ एलर्जेंस होते हैं जो हमें अस्थमा कॉज करते हैं। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स भी करते हैं, सॉयल से भी किसी को एलर्जी होता है। सीजिंग साउंड, ठीक है, बहुत ज़्यादा छींकें आएंगी, रैपिड स्पैम्स, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकियोल्स। तो हमारे जो ब्रोंकियोल्स हैं उसमें क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हमें देखने को मिलेगा। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, ब्रीदलेसनेस हो जाएगा, मतलब सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगा। इनएबिलिटी टू इनहेल, लॉन्ग टाइम स्मोकिंग, किससे भी होता है इनएबिलिटी टू इनहेल, हम लोगों को सांस लेने में कैसे होता है, लॉन्ग टाइम स्मोकिंग से। एम्फाइसमा कॉज्ड बाई स्मोकिंग, ठीक है, ये भी हमें स्मोकिंग से हो रहा है। सिलिकोसिस, सिलिका डस्ट की वजह से एप्स्टोसिस, निमोनियोसिस, कोल डस्ट की वजह से होता है। कैलियोसिस चॉक डस्ट वगैरह से, सीडेरेसिस आयरन डस्ट से होगा। फाइब्रोसिस ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, वहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है। साइनियोस्टियसिस इन्फ्लामेशन ऑफ साइनस, ठीक है। लंग कैंसर क्या होता है, डेवलप इन एनी पार्ट ऑफ लंग, हमारे लंग्स में क्या हो जाता है, वहाँ पे कोई भी डेवलप ये हमें देखने को मिलता है। कैंसर तो हम लोग जानते ही हैं, ठीक है, कैंसर के बारे में यदि आपको जानना है तो हमारा डला भी हुआ है चैनल पे, जिसको आप लोग देख सकते हैं। तो कैंसर के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो वहाँ पे हमारे बॉडीज़ के अंदर पहले से ही क्या होते हैं, जीन्स प्रेजेंट होते हैं, डेट इज़ ए प्रोटो ऑन्कोजीन्स, डेट इज़ ए कन्वर्टेड इनटू ऑन्कोजीन्स। राइनाइटिस एंड लेरेनाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ रहीनो वायरस, वायरल इन्फेक्शंस, ठीक है। ट्रैकाइटिस, ब्रोंकाइटिस एंड ब्रोंकियोलाइटिस। ट्रैकाइटिस क्या होता है, ट्रैकिया में इन्फ्लामेशन, यदि ब्रोंकाई में इन्फ्लामेशन होगा तो ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियोलाइटिस स्वेलिंग ऑफ ब्रोंकियोल्स, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में सबसे पहले आता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इंसल्टिंग कवर
डीजनरेट्स, ठीक है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ये हमें होता है, ठीक है। मतलब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, जब हमारी बॉडी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाती है सेल्फ एंड नॉन सेल्फ में। पार्किंस डिजीज़, पार्किंस डिजीज़ क्या है, डैमेज ऑफ डोपा मैनजेटिक मैनेकिक न्यूरॉन्स, टेम्प्रेरी पैरालिसिस हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। एपिलेप्सी कॉज सीजरस इनहर्टेड एंड कॉज्ड बाय हेड इंजरी, ठीक है। किससे होता है, हेड इंजरी होता है तो हमें ये हो जाएगा। अल्जाइमर, कोलिनर्जिक न्यूरन क्या होते हैं हमारे, डीजनरेट्स हो जाते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट हम लोगों के पास आते हैं डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम्स, वॉमिटिंग, मेड्यूला सेंटर इसको क्या करता है, बैलेंस करता है, फूड एलर्जी की वजह से होता है ये हमें। एमएसिस रिफ्लैक्स, ठीक है, तो वहीं पे क्या आएंगे, रिफ्लैक्स आएंगे और हमारा फूड बाहर निकल जाएगा। फूड एलर्जी ड्यू टू गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लैक्स एक्शन, स्टोमक इन्फेक्शन, ठीक है। डायरिया क्या होता है, एबनॉर्मल बबल मूवमेंट होता है, ठीक है। मतलब आप जैसे ही पॉटी करने बैठो एकदम से बबल, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन मतलब बहुत जोर भी लगा रहे हो फिर भी नहीं हो पा रहा है हमारा एक्सक्रीशन। इरेगुलर एंड डिफिकल्ट बबल मूवमेंट वाई हार्ड एंड फीकल्स, लैक ऑफ वाटर एंड फूड, इसके वजह से। इंडाइजेशन क्या होता है, हम लोग कुछ भी चीज़ों को खा लेते हैं फिर वो डाइजेस्ट नहीं होता है। डिफ़िकल्टी ऑफ फूड इंडाइजेशन ऑफ डाइजेशन, ठीक है। स्पाइसी फूड वगैरह खा लेते हैं, एंजाइटी होता है, फूड पॉइजनिंग, ओवर ईटिंग, ठीक है। तो इतना नहीं खाना चाहिए, फ्री का कोई खिला रहा है आप लोग कुछ भी खा सकते हो। मैरसमस, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरीज, उसको हम लोग मैरसमस बोलते हैं। लेस देन वन ईयर बेबी, ठीक है, छोटे बच्चों में ये देखने को मिलता है। क्वासीकर क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन ओनली मोर देन वन ईयर्स, ठीक है। सो इसमें सिर्फ प्रोटीन का डेफिशिएंसी हमें देखने को मिल रहा है। इसके बाद आते हैं हम लोग डिसऑर्डर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स, ड्वार्फिज्म बिफोर प्यूबर्टी, हाइपोग्रोथ हार्मोन्स, ठीक है। तो इसमें हाइट क्या कर जाता है, रिटायर्ड कर जाता है। जाइनेटिज्म में आप एकदम खली की तरह हो जाओगे बिफोर प्यूबर्टी। एक्रोमाइलिया, ठीक है, आफ्टर प्यूबर्टी हाइपो जीएच, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो जाते हैं। एक्रोमेगैली, हाइपर जीएच आफ्टर प्यूबर्टी, ये होता है चांसर रोशन चेहरा, ठीक है। आपका पाम और जो फेस होगा वो मून लाइक हो जाएगा। एडिशन डिजीज, ठीक है, एल्डोस्टेरोन डेफिशिएंसी के वजह से होता है। क्रेटिनिज्म बिफोर प्यूबर्टी हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है, मतलब थायरॉइड क्या रहेगा, कम रहेगा बिफोर प्यूबर्टी। गोइटर, यदि ज़्यादा होता है तो हमें क्या हो जाता है, आयोडीन की डेफिशिएंसी से हाइपोथायरॉयडिज्म, दैट इज ए गोइटर। आपने देखा है ना गले के नीचे ये बहुत ज़्यादा बड़ा साइज का हो जाता है। क्रेब्स डिजीज, हाइपरथायरॉयडिज्म, मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा, ज़्यादा वेट लॉस होगा। एक्सोथैल्मिक गोइटर भी हम लोग इसको बोलते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटिस, डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, ठीक है, किसके वजह से होता है, इंसुलिन, ब्लड में शुगर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये सभी डिजीज थी हमारे किसके, ह्यूमन फिजियोलॉजी की। तो मिलते हैं आपको ऐसे ही अमेजिंग नेक्स्ट लेक्चर्स के साथ में, जब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और क्वेश्चंस को भी करते जाइए, ठीक है। कुछ मैंने वन शॉट लेक्चर्स भी पहले डाले हुए हैं, उनको भी आप लोग देख के क्वेश्चंस कर सकते हैं। टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, डेट इज़ ए शिवाय 096। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में।